वेलकम टू कुक विद प्रीति चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको फोटो चॉकलेट बनाना बताएंगे और हम वेजिटेबल ऑयल के साथ कैसे कलर चॉकलेट्स बना सकते हैं वो वीडियो कवर करेंगे। सबसे पहले हमें मैग्नेटिक मोल्ड का यूज करना होगा, जो हमने पहले भी आपको फोटो में बता दिया है कि किस तरीके से आपको यूज करना है। इस तरीके की ट्रांसपेरेंट शीट आती है। सबसे पहले जो हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे और जो खुदरा पार्ट है वो ऊपर की साइड रखेंगे और जो फ्लैट पार्ट है वो नीचे की साइड रखेंगे। फिर हमें इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सेट कर देंगे। मैंने जो अपना फर्स्ट वीडियो चॉकलेट जो नॉलेज होता है उसमें भी आपको बताया कि इसका यूज किस तरीके से होता है। अब हम इसमें मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट डालेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक यूज किया है, जिससे हमारा ये जो कलर है वो खिल के आएगा। इस तरीके से मैंने मेल्ट चॉकलेट डाला है व्हाइट, इसमें आप फ्लेवर भी डाल सकते हो। और हमें दोनों हाथ से दोनों नीचे से भी पकड़ के रखना ताकि गिरे नहीं, और धीरे धीरे टेप करना है। इस तरीके से टेप करना है हमको, दोनों नीचे से भी आपको हाथ को पकड़ के रखना है इसमें, ठीक है। अब टेप होने के बाद में हम इसको सेट होने के लिए फ्रीज में रख देते हैं। तब तक हम वेजिटेबल ऑयल से चॉकलेट को कैसे कलर देते हैं वो बताते हैं। कोको बटर का तो हमने आपको बता दिया, अब हम वेजिटेबल ऑयल ऑलिव ऑयल किस तरीके से हम एडिबल डस्ट का यूज करके बना सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा वेजिटेबल ऑयल और थोड़ा सा डस्ट यूज किया है। अब हम ब्रश की हेल्प से इसमें कलर लगाएंगे। इस तरीके से हम इसमें कलर लगाएंगे, ठीक है। और एडिबल डस्ट हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं वेजिटेबल ऑयल यूज करके। आप चाहो तो हल्का सा बटर भी यूज कर सकते हो। हमने कोको बटर का यूज करना भी बता दिया है। अभी हम वेजिटेबल ऑयल के साथ किस तरीके से यूज करते हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। हमने अपनी चॉकलेट कोर्स में आपको सब कुछ, एवरीथिंग जो होता है वो सब कुछ आपको बेसिक टू एडवांस कवर किया है। तो आप पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल भी आप मिस मत करना, नहीं तो आप बोलोगे हमारा चॉकलेट्स बनानी है तो आपने मिस किया होगा, क्योंकि हमने डिटेल में बताया। इस तरीके से ये सेट होगा, सेमी सेट होने के बाद फ्रीज में हमको सेट करके लाना है इसको। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डार्क चॉकलेट मेल्ट किया हुआ है वो हम इसमें डालेंगे, ठीक है। वही हमें मेथड यूज करना है, इसमें मेल्टेड चॉकलेट डालना है, टेप करना है और फ्रिज में 10 मिनट सेट करना है, ना कि फ्रीजर में सेट करना है। इस तरीके से हमें इसको सेट करना है। हम अच्छी तरीके से सेट कर रहे हैं, हमने किसी भी वीडियो को पूरा अच्छे से काटा नहीं है। हम जितना अच्छे से बता सकते उतना हमने डिटेल में कवर किया है। और आप भी बनाइए और मुझे टैग कीजिए कि आपको कैसा लगा। इस तरीके से हमें डालना है और फिर टेप करेंगे हम। टेप करना ना भूले, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होता है जहां से हम एयर बबल निकालेंगे, जिससे हमारी चॉकलेट फ्लैट भी आएगी और बहुत सुंदर भी बनेगी और अच्छा शेप भी आएगा। अब हम इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देते हैं। अब जो हमने फोटो चॉकलेट जो बनाई थी वो फ्रीज में से हम लेके आए हैं। अब इसको किस तरीके से डीमोल्ड करते हैं वो हम आपको बताते हैं। इसको हल्के से प्रेस करके आपको निकालना है, और आप ध्यान रहे इसको जो ये पार्ट आपका जो बचा है फोटो का वो आप वापस यूज कर सकते हो। इसको आपको नीचे से करना है, जैसे आप ऊपर से कर रहे हो ना ये गलत होगा, इससे निकलेगा नहीं। आपको क्या करना है, इस तरीके से भी नहीं निकलेगा, आपको क्या करना है नीचे से प्रेस करना है और ऊपर की तरफ करना है, तो इससे हमारा चॉकलेट ऊपर आएगा और अच्छा निकलेगा। और आप देख सकते हो जो हमने व्हाइट चॉकलेट का यूज किया है ब्लैक प्रिंट में, आपको इन दोनों तीनों बातों का ध्यान रखना होगा। थैंक यू।